बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज चल रही है 41, और इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को जो है वो डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है हमें, शो दैट इफ सी इज़ द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल। सी जो है वो हमारे पास ये ट्रायंगल की बाउंड्री है विद द वर्सेस एट द पॉइंट्स। और ये तीन हमें जो है वो पॉइंट्स दिए गए हैं, 0 है, 3 आयोटा है, -4 है, ओरिएंटेड इन दी काउंटर क्लाक वाइज डायरेक्शन। और इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, काउंटर क्लाक वाइज है शोन इन द फिगर। हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो इस कंटूर इंटीग्रल का अपर बाउंड है दैट इज़ 60, तो ये हम जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, प्रूव करना जो है वो चाहेंगे। अच्छा, इसमें अगर आप ये देखें तो सी जो है वो क्या है, सी जो है वो बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल, और ये हमें जो है वो यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स गिवन भी है। अच्छा, अब ये देखें, ये डिस्टेंस ये 3 है, ये 4 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला, ये 3² + 4² इसका स्क्वायर रूट, यानी कि ये 5 आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ कंटूर जो है वो किसके इक्वल आएगी, एल जो है वो बेसिकली किसके इक्वल था, मसलन अगर हम इसकी बात करें तो ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल सी e^z(z)^ dz मॉडुलस बेसिकली किसके है, लेस देन इक्वल टू एम एल जो है वो हमने लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, एम एल। और एम जो है वो क्या है हमारे पास, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, या अपर बाउंड है किसके लिए, z के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज़ e^z - z̅ है, इसका मॉडुलस हमने लिखना है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, e^z - z̅ और इसका जो है वो मॉड। अच्छा, अब जब मॉड को जो है वो ओपन करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि लेस देन इक्वल आएगा e^zͮ -z̅ मॉडुलस आ जाएगा। अच्छा, e^z मॉडुलस जो है, ये देखो e^z, इसको हम लिख सकते हैं e^x + iota y इसका मॉडुलस, और ये e^x e^iota y मॉडुलस। और e^x ये पहले हम बात करके आ चुके हैं, मैंने वैसे ही यहाँ पे मैंने कहा रिवाइज़ करा दूँ, ये e^iota y होता है cos y + iota sin y, और इसका मॉडुलस, इसका जब मॉडुलस लोगे तो ये cos² y + sin² y होगा, और वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह ये e^x आ गया, ये क्या है हमारे पास, e^x है। तो एक तो ये है कि हम इसको e^x लिख सकते हैं, ठीक है, और दूसरा ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। z अगर हमारे पास ये हो, z = x + iota y, तो z̅ क्या बनेगा, x - iota y, और इसका जो अगर हम मॉडुलस लें तो वो क्या बनता है, x² + y² √ ही आता है, x² + y² √। तो ये नेगेटिव तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, x² + y² √। अच्छा, अब इसकी वैल्यू अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो ये जो e^x है हमारे पास, क्या है, e^x की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, <1 फॉर एक्स नेगेटिव। देखो इधर हमारे पास x की वैल्यू इस कर्व के लिए नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे है ना, तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए जब ऊपर वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये 1/e^ जो भी नंबर आएगा, जितनी भी कैलकुलेशंस कर लें वो 1 से लेस ही रहेगा। एक तो ये हमने बात कर ली, दूसरा ये है कि ये जो x² + y² √ है, ये भी अगर आप यहाँ पे सर्कल बनाएं तो सबसे बड़ा जो सर्कल है वो ये हमारा जो है वो बनता है, तो इसका रेडियस भी 4 से लेस ही रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे <= ये क्या होंगे, <= e^x। अब e^x जो है ये हमारे पास 1 है, और ये कितना आया है, 4, तो ये किसके इक्वल आ गया, 5 के,
और ये बेसिकली क्या है, ये एम की वैल्यू है। इससे पहले हम बात करके आ चुके हैं कि ये एफ ऑफ जेड मॉडुलस है और ये एम के लेस देन इक्वल टू, ये 5 आया है तो 5 एम है। और अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो वो क्या बनेगी, ये देखो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो टोटल लेंथ जो है वो 3 + 5 + 4 दैट इज़ इक्वल टू 12। तो अब अगर हम जो है वो इसके अंदर वैल्यूज़ को ले आएँ तो m की वैल्यू हमने क्या रिप्लेस करनी है, वो 5 आ जाएगी, और l की वैल्यू हमने रिप्लेस करनी है 12, तो ये होता है 60। तो इसका मतलब है ये इस इंटीग्रल का जो मॉडुलस है दैट इज़ लेस देन इक्वल टू 60, और यही हमें जो है वो क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।